कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं वो। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी छक्के यानी पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की। मैंने उसे छक्का क्यों बोला ये तो आप सबको पता ही है, क्रिकेटर क्यों बोल दिया ये मेरी गलती होगी लगता है। अभी रिसेंटली उसने एक बयान दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर और कश्मीर के बारे में, जो उससे उसकी औकात से बहुत बड़ी बात है, पर उसने कर दी है। फिर भी उसका जवाब उसे मिल गया है, गौतम गंभीर जी ने, हरभजन जी ने, शिखर धवन ने, जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके छोटे से क्रिकेटर को इतना बढ़िया जवाब दिया है कि उसे सुन लिया होगा और ध्यान भी कर लिया होगा कि इंडिया वाले जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं। गौतम गंभीर जी ने तो उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के ले लिए। गौतम गंभीर जी ने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उनकी अकल बढ़ती है ना उनकी उम्र बढ़ती है, और अफरीदी भी उनमें से एक है। बिल्कुल 100% सही बात कही आपने। जब क्रिकेट खेलते थे जब ये अपनी उम्र छुपाते थे, झूठ बोलना तो इनका काम ही है। 16 साल में डेब्यू किया था, रिटायर हुए थे जब तक उनकी उम्र 16 ही साल थी, किसी को ये नहीं बताया कि मेरी उम्र बढ़ गई। तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। सेकंड थिंग, गौतम गंभीर जी ने एक बोली दिल छू लेने वाली बात कि ने कोई क्रिकेट में सीरियस नहीं लेता था, रियल लाइफ में तो तब लेंगे लोग इन्हें जब कोई क्रिकेट में सीरियस लेता। बिल्कुल दिल में छू गई, आर पार कर गई, एकदम कलेजा चीर के चली गई ये बात तो आपकी गौतम गंभीर जी। इन्हें पाकिस्तान में लोग सीरियस नहीं लेते, इंडिया में तो लेंगे क्या। फिर बात आती है हरभजन सिंह जी की। हरभजन सिंह जी ने कहा कि पहले हमसे भीख मांगने आए कि हमारे लिए हेल्प के लिए एक वीडियो बना दो, हमने इनके लिए एक वीडियो बना के दिया, फिर इन्होंने उस वीडियो से भीख मांगी पूरे वर्ल्ड में जिसमें ये एक्सपर्ट है पाकिस्तान वाले, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इससे भीख मांगी। उसके बाद जो पैसे इकट्ठे हुए उसको इकट्ठा करके एक एक किलो राशन बांटने, आटा बांटने अपने कश्मीर जो इनके पास है ऑक्यूपाइड कश्मीर उसमें गए, और वहां जाके क्या बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं या हमारे कश्मीर लेने की बात करते हैं। जो खुद भीख मांग रहा हो वो कश्मीर लेने की बात कर रहा है, ये भी बहुत मजे की बात है। जिन्हें को कोई भीख देने को तैयार नहीं है वो कश्मीर मांग रहे हैं हमसे। हरभजन सिंह जी ने ऐसी ली कि उसके बाद आ गई बारी गब्बर जी। क्रिकेटर शिखर धवन जी ने एक ट्वीट किया, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। शाहिद अफरीदी जब बात कर रहा था उस दिन तो बोल रहा था कि हमारी 5-7 लाख की फौज है और आपने 5-7 लाख आर्मी तो सिर्फ कश्मीर में लगा रखी है, और उस 5-7 लाख की फौज के पीछे हम 22 करोड़ या 23 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं। उस छक्के को मैं बताना चाहता हूं, 5-7 लाख की फौज के पीछे 22-23 करोड़ छक्के खड़े, वही हमारे शिखर धवन जी ने बताया। उन्होंने कहा कि तुम 22-23 करोड़ हो गए पर हमारा 1.25 लाख पे भारी है, हमारा 1.25 लाख पे भारी है। नहीं पता हो तो पढ़ लेना गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा है, 1.25 लाख ते एक लड़ाओ। बिल्कुल शिखर जी आपकी बात को सल्यूट है, आपने जो बोला सच बोला, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। किसी छक्के के भोंकने से वो किसी और का नहीं हो जाएगा। दोस्तों यही बात आपसे शेयर करनी थी, मुझे भी अच्छा लगा जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स ने उस टुच्चे क्रिकेटर का जवाब दिया। मैं तो उसे क्रिकेटर मानता ही नहीं हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ टुच्चा क्रिकेटर, उसका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा।
जय हिंद दोस्त।